So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to session 5 after a short break. ये topics हम discuss कर चुके हैं and for now जो iteration और helper function है list के उसमें हमारे पास just mapping रहती है, सही है? अब mapping कभी हम एक try लेते हैं, map हम कैसे कर सकते हैं, सही है? अब mapping का actually हमारे पास मकसद क्या है? Mapping होती क्या है? सही है, मैपिंग हमारे पास एक्चुअली ये है ना कि आपके पास एक लिस्ट यहाँ पर है, सही है, लिस्ट सपोज लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक साइड पे स्ट्रिंग ऑफ सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, दूसरे साइड पे आपके पास जो है ना लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। सो स्ट्रिंग से आप स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, सही है। सो दिस व्हाट वी कॉल मैप, मतलब एक चीज से दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, उसको मैपिंग बोलते हैं, सही है। So, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सही है। हमारे पास जब लिस्ट होंगे तो हम लिस्ट को लेट सपोज अगर हमारे पास लिस्ट व्यू हम यूज करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे, सो स्ट्रिंग्स से हम उसको मैप करेंगे विजिट्स में, मतलब स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग को हम एक टेक्स्ट विजिट बनाएंगे उससे, सही है। सो दिस इज हाउ वी कॉल मैपिंग। अगर हमारे पास लिस्ट है पूरा एंड लिस्ट ऑफ टेक्स्ट विजिट्स है, सो उसको हम मैप कर सकते हैं इस तरह। उसको हम एक नजर देखते हैं कि मैपिंग हम किस तरह करते हैं। That was filtering. So filtering रख देते हैं, filtering and then over here हमारे पास next जो है वो है mapping. जिस तरह हमने यहां पर किया था, यहां पर मैंने एक क्लास बनाई थी name की, सही है। दोबारा से वो मैं क्लास बनाता हूँ name. इसमें हमारे पास जस्ट टेक्स्ट होगा, मतलब नेम का जो टेक्स्ट है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है दिस डॉट टेक्स्ट। ये कंस्ट्रक्टर तो आपको पता ही नहीं हमारे पास किस तरह काम करता है, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, सही है। इसका मतलब ये सेम है अगर हम इस तरह कर लें इसको। नॉर्मली आप सी प्लस में जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना वो इस तरह होता है। लेट सपोज हमारे पास ये है ना, तो फाइनल या इसको हम करते हैं स्ट्रिंग, टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, सही है। फिर हम क्या करते हैं जो दिस डॉट टेक्स्ट जो है ना उसको हम कर देते हैं ये टेक्स्ट उसको असाइन कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं ना आप लोग सी प्लस प्लस में, सही है। बट इसको हम शॉर्टकट डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं कि नेम दिस डॉट टेक्स्ट, दोनों का मतलब सेम आ रहा है, सही। बट ये शॉर्ट फॉर्म है एंड जब हम बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं काम ज्यादा हो तो हम फिर प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास जो लिस्ट ऑफ नेम्स आ रहा है उसको मैं लिस्ट ऑफ जस्ट स्ट्रिंग्स है ना, ये स्ट्रिंग लिस्ट है, सही है। इसको मैं मैप करूंगा ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा इससे, लिस्ट ऑफ नेम, ये नेम नेम जो क्लास है ना उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट ऑफ नेम ऑब्जेक्ट्स में बनाऊंगा यहां पर, सही है। सो जिस तरह हमारे पास डॉट फॉर ईच है या ये देखें नेम्स डॉट फॉर ईच, तो सेम काम ये भी करता है, सही है। हमारे पास नेम्स लिस्ट डॉट मैप, तो मैप का फंक्शन क्या करता है, मैप का फंक्शन भी वही एग्जैक्टली सेम काम है। ये देखें आपके पास इस तरह फॉर ईच में था ना, आपको ये एक एक नाम उठा के यहाँ पर दे रहा है ई में। अब ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास वही नेम है, एक्स को आप चेंज करके नेम कर दें, सही है। नेम्स लिस्ट एक एक नाम उठा के आपको यहाँ पर दे रहा है, सही है। अच्छा, अब जब ये एक्चुअली हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, सही, शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैं इस तरह कर सकता हूं और यहां से मैं वैल्यू रिटर्न कर दूं, आपको समझ नहीं आएगी इसकी, सही है। इसको करने से पहले आपको मैं यहां पर एक और चीज समझा दूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सही है, प्रिंट का कस्टम प्रिंट के नाम से एक फंक्शन है, सही है। इसको मैं एक वैल्यू देता हूं और ये वैल्यू मुझे प्रिंट करके देता है, सही है। ये एक लाइन का फंक्शन है, इसमें जस्ट एक ही लाइन है, एक ही लाइन में रन कर रहा हूं, सही है। इसका शॉर्टकट ये है कि इतना बड़ा वो प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं, ये सेम, दोनों का मतलब सेम है, क्लियर।
मतलब वन लाइन फंक्शन में तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सही है। और सेम हमारे पास यहां पर भी, ये हमें असल में वो वन लाइन फंक्शन दे रहा था, सही है। जस्ट मैंने क्या करना है यहां पर, यहां से मैं रिटर्न करूंगा ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये नेम था ना, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ नेम के ऑब्जेक्ट में, सही है। इसको मैं नेम असाइन करता हूँ, सही है। अब ये हमारे पास एक लाइन का फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारे पास यहां से लेके, ये हमारे पास एक फंक्शन है यहां से लेकर यहां तक, सही है। तो एक लाइन का फंक्शन है, तो इसको मैं ये ब्रैकेट वगैरह और ये सारी चीजें रिटर्न रिटर्न हटा के जैसे इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, शॉर्टकट फॉर्म ये है इसका, सही है, क्लियर। अब ये हमारे पास ये क्या कर रहा है, अब हम यहाँ पे नेम लिस्ट को मैप कर रहे हैं किस चीज में, नेम के ऑब्जेक्ट में। ये हमारे पास एक्चुअली स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट है, सही है। अब ये हमें क्या देगा, ये स्ट्रिंग ऑफ नेम ऑब्जेक्ट्स देगा हमें, सही है। अब जो हमारे पास मैप आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर हम वापस लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये एक्चुअली मैप हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट ही है, हमें मैप करके देता है, सही है। उसको हम वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइनल लिस्ट ऑफ नेम्स ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अभी जो नेम लिस्ट था वो स्ट्रिंग था, सही है ना, उसको हम मैप कर रहे हैं नेम ऑब्जेक्ट में, तो इसको मैपिंग बोलते हैं, क्लियर, सही है ना। सो ये हमें वापस एक लिस्ट लिस्ट ऑफ क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, सही है। मतलब ये लिस्ट जो है हमारे पास, ये लिस्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नेम्स है, क्लियर। अच्छा, ये बास टाइम आपको मसला करेगा, आपको टाइप का मसला आएगा यहाँ पर, कि ये बास टाइम जो है ना, ये टाइप का मसला होगा इसमें। तो यहाँ पे आप ये मैप है ना, ये मैप में आप यहाँ पे टाइप मेंशन कर सकते हैं कि ये टाइप हमारे पास क्या होगा, नेम होगा, सही है। तो जब नेम का मसला आता है, आप इस यहाँ पे स्पेसिफिकली उसको मेंशन कर सकते हैं, सही है। और ये मैप का फंक्शन आई थिंक मैंने कहीं पे यूज भी किया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि कहाँ पे था, बट मैंने जगह पे यूज भी किया था। आई डोंट नो उस टाइम आपको समझ आई थी या नहीं आई थी, बट आई होप सो कि यहाँ पर आपको मैपिंग की समझ दिया गया कि मैप का मतलब क्या है, सही है। एक फॉर्म से हमने लिस्ट उठा के दूसरे फॉर्म में डालना, इसको मैपिंग बोलते हैं, सही है। एक तरीका इसका ये भी है कि लूप लगा दें आप, फॉर लूप लगा के आप वन बाय वन चीज़ों को करें, सही है। बट स्टिल वो हमें उसमें हमने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिखना है, यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म में आ रहा है, सही है। सो इन चीज़ों के तरह फिर मेंटेन करना सिंपल ईजी होता है, सही है। आई होप सो इज क्लियर, सही है। मैपिंग ये थी ना, अब इसको अगर मैं वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नेम्स लिस्ट डॉट फॉर ईच, सही है। मेरे पास यहाँ पे वही एलिमेंट आ रहा है ना, एलिमेंट आ रहा है, मैं क्या करूँ यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट मैं क्या बनाऊँ, ये ऑब्जेक्ट मैं फर्स्ट यहाँ पे बना दूँ, सही है। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँ, लिस्ट of names object dot add, और यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे मैं ये ऑब्जेक्ट उसको साइन करूँ, तो एक तरीका ये भी है, ये भी हमारे पास एक्चुअली मैपिंग ही है ना। अब ये लिस्ट है ना, उसको मैं ऑब्जेक्ट ऑफ नेम्स असाइन कर रहा हूँ, सही है। सो अब इसका शॉर्ट फॉर्म, ये इन दोनों लाइन्स का, इन सारे लाइन्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं मैपिंग। सो आई होप सो कि ये मैपिंग का प्रोसेस भी आपको क्लियर है। अब लेट सपोज आपने ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, नेम ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो इसको तो मैं डायरेक्टली इस तरह प्रिंट नहीं कर सकता ना, नेम डॉट लिस्ट टाइप, सही है। इसको चले, इसको हम अगर प्रिंट करना चाहें, ये लिस्ट ऑफ नेम्स ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम प्रिंट करते हैं, सही है। लिस्ट ऑफ नेम्स ऑब्जेक्ट डॉट डॉट फॉर ईच, सही है। अब यहां पर मेरे पास ये जो नेम आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, नेम का ऑब्जेक्ट होगा, सही है।
फॉर ईच यहाँ पे मैं नेम करता हूँ, फॉर ईच यहाँ पे मेरे पास नेम आएगा एंड वही वन लाइन का फंक्शन है, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, नेम प्रिंट करना है ना, सो नेम डॉट टेक्स्ट। अब ये नेम का ऑब्जेक्ट है नेम, अब इस नेम से अंदर मैंने क्या प्रिंट करना, टेक्स्ट उसका प्रिंट करना है। अगर मैं जस्ट नेम प्रिंट करता हूँ ना, आप यहाँ पे देखें, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये देखें इंस्टेंस ऑफ नेम आ रहा है आपके पास, तो आपके पास ये इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंस्टेंस ऑफ दिस नेम क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, सही है। जब मैं यहाँ पर डॉट टेक्स्ट करूंगा तो उसका वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। सॉरी So, अभी दोबारा से मैं रिप्रिंट करता हूँ, रिटर्न करते हैं इस फंक्शन को। सो ये देखें अभी आपके पास उसके जो टेक्स्ट थे वो प्रिंट हो गए हैं, क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मैपिंग, सही है। लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डार्ट में, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं आपको, बहुत सारी जगहों पे ये फिल्टरिंग की भी ज़रूरत आएगी, मैपिंग की भी आएगी, सही है। सो एंड सर्चिंग की भी खामा खा आपको आएगी, अक्सर लोकेशन पे आपको सर्च करना पड़ेगा, सही है। सर आप लोग सर्च करते हैं ना, सर्च का जो फीचर होता है, आपके पास लिस्ट होता है एप्लीकेशन में, सही है, और आपके पास ऊपर एक सर्च बार होता है, आप वहाँ पे सर्च करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली, वहाँ पे आप जब टाइप कर रहे हो ना, वो फिल्टर हो रहे होते हैं, जिसमें वो टेक्स्ट आ रहा होता है वो फिल्टर हो रहा होता है, तो एक्चुअली क्या करते हैं वो, यही फिल्टरिंग हमारे पास होती है, सही है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी डिफरेंट लोकेशन पे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। सो दिस वॉज अबाउट दीज थिंग्स, आई होप सो इज क्लियर। ये इनफ है अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं और एसिंक्रोनस फंक्शंस एंड फ्यूचर एंड अवेट इसको भी डिस्कस करें। अगर एनर्जी है तो उसको भी कर लेते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक सेशन और भी है और इसको हम आराम से कवर कर सकते हैं उसमें। क्या करें, हाँ खत्म करें, मतलब सारे सारे टॉपिक्स को खत्म करें। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हैं अगर उनका फीडबैक भी है तो उसको भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके सही है। चलें यहाँ तक काफी था, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर एनर्जी। अभी चीज़ थोड़ी थोड़ी कम्प्लेक्स भी होगी सर आगे जाके, अभी तक हमने काफ़ी काम यूआई में किया है, अभी जाके हमने थोड़ा सा और भी काम करना है। नेक्स्ट वीक का हमारा जो टारगेट होगा वो फायरबेस होगा, डेटाबेस वगैरह, कि डेटाबेस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर देट एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।